Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Walahlihi washabihi ajmain amma ba'd. मैं आप सारे के सारे बच्चों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम अखलाक सीरीज में। अब तक हमने पिछले दो एपिसोड्स में टॉपिक लिया था माफ करने के बारे में, है ना। आज हम उसके बारे में कुछ और चीजें लेने वाले हैं। लेकिन गाड़ी में बैठे हो, हाँ गाड़ी में देखा है गियर्स होते हैं, गियर्स। फर्स्ट गियर कब होता है? जब गाड़ी स्टार्ट होती है। सेकंड कब होता है? जब तभी हल्का हल्का और स्पीड बढ़ी तो। थर्ड गियर कब होता है? और स्पीड। तो अब हम लोग थर्ड गियर में पहुंच करके, बल्कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब यही गियर में चलने वाले हैं, समझ रहे हैं। फास्ट स्पीड में जाने तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? तो हमारा टॉपिक है माफ करने के बारे में फिर से, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से हम लोग ले रहे हैं बार बार, ताकि आप सब बच्चे दुनिया के बेस्ट बच्चे बन जाओ इंशाल्लाह। और दुनिया के बेस्ट बच्चे कैसे बन सकते हैं? जब आपका दिल हो एकदम हैप्पी एंड स्माइली। आप अगर फ्राउनी बन के घूमोगे तो हैप्पी कैसे बन सकते हो, हैप्पीनेस कैसे फैला सकते हो? हम चाहते हैं हर एक बच्चा खुद भी हैप्पी रहे और दूसरों को भी हैप्पी बनाए इंशाल्लाह, है ना। तो बच्चों आज आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं कि माफ करना हमने सीखा, लेकिन कितनी बार? कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, तीन बार, बहुत बार, कितनी बार? तीन बार। तो माफ करें। एक बार एक सहाबी रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा खादिम, खादिम किसे बोलते हैं? खादिम, खादिम का मतलब क्या है? सर्वेंट। घर में सर्वेंट देखा है आपने कभी? घर में सर्वेंट देखा है आपने? हाँ, क्या काम के लिए आते हैं कभी कभार कोई सर्वेंट? कपड़े धोने को आते हैं, कोई बर्तन धोने आते हैं, कोई दुकान में कोई काम कर रहे हैं सर्वेंट, कोई खाना बनाने आते हैं। तो जो सर्वेंट होते हैं ना, वो कौन होते हैं? इंसान होते हैं कि रोबोट होते हैं? इंसान। इंसान से मिस्टेक होती है कि नहीं होती है? होती है। तो उस सहाबी ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा खादिम गलत करे मैं उसे कितनी बार माफ करूं, कितनी बार माफ करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछने पर ये जवाब दिया, आफु अन्हु फी कुल्ली यौमिन सबईना मर्रा, उसे रोज 70 बार माफ करो। कितनी बार? 70। कुछ लोग होते हैं ना, बोले तुमने ये किए, तुमने ये किए। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो कुछ गलत करे तो सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? सिखा सकते। तो माफ करो का मतलब ये है कि सिखाओ मत, उसे करने दो, गलत करने दो, माफ करो उसे, सिखाओ भी और माफ भी करो। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना, तो समझ लो बच्चे। अगर गुस्से से सिखाएंगे तो वो भी समझेगा भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। सैड सैड सिखाएंगे तो, गुस्से से सिखाएंगे तो वो सीखेगा भी नहीं। हैप्पी होके सिखाएंगे तो इंशाल्लाह सीखने के बेटर चांसेस है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह खुदा ने आज दिया। तो आप सब ये देखें कि हमें माफ करना चाहिए, और वो भी कैसे माफ करना चाहिए? थोड़ा सा माफ करना चाहिए, थोड़े से फ्राउनी, थोड़े से फ्राउनी, थोड़े से फ्राउनी, और बाकी के स्माइली के फुल स्माइली, फुल स्माइली, फुल स्माइली, है ना, नो फ्राउनी एट ऑल। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन साता ला आतियतुन, कयामत का दिन आ रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से माफ करो। माफ कैसा करना चाहिए? अच्छी तरह से, दिल से माफ करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या मालूम कैसा माफ करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं लेकिन तुम बहुत बुरे आदमी हो, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं लेकिन ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा। ये लेकिन के बाद ना यू टर्न मार देती गाड़ी, जैसे हमारे पास ये गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी है जो सीधा आते आते यू टर्न भी मारती है, देखा आपने? हाँ, स्पीड में ऐसे जाते ना, ऐसे टेढ़ी होके ऐसे यू टर्न आ जाती है। तो कुछ लोग है ना माफ भी ऐसे ही करते हैं, करते हैं मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो कैसे माफ करना चाहिए? ऐसे माफ करना चाहिए, मैं माफ तो कर दिया, तुम्हें माफ कर दिया लेकिन तुम बहुत बुरे हो, चीटिंग हो जाएगी। तो ये तो चीटिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही।
तो आइए मैं आप लोगों को अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जरा ये बताओ कि जब हम किसी को माफ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये है कौन, ए, ये ए है और ये कौन है, बी, बी, ए ने बी को मारा और बी ने उसको समझाया, बोले ऐसा नहीं करते, और बी ने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जरा समझो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों में से ऊंचा कौन है, ए ऊंचा है बी ऊंचा है, बी, बी, हाँ ए ऊंचा है बी ऊंचा है, बी, 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 इन्हें बोला जाके बोलता है अपने दोस्तों को, क्या बोलता है मालूम है, मैंने उसको मार के आया, हाँ उसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं ऊंचा हूं। लेकिन ये ऊंचा नीचा में कौन ऊंचा है मालूम है आपको, बी, बी, आप लोगों ने सही बताया, किसकी नजरों में, अल्लाह, अल्लाह की नजरों में। अच्छा बताओ दो दुनिया है, एक है ये दुनिया, एक है आखिरत की दुनिया, एक है ये दुनिया दिख रही है ना, ये एक है आखिरत की दुनिया दिख रही है, नहीं, नहीं दिख रही है ना, आखिरत की दुनिया दिखती है, देख सकते हैं दूरबीन टांग के देख सकते हैं, नहीं, टेलीस्कोप पहन करके देख सकते हैं, नहीं, चश्मा पहन के आखिरत की दुनिया दिखती है, नहीं, नहीं, कैसे दिखेगी आखिरत की दुनिया, कहाँ दिखेगी, जब हम लोग मरने लग जाएंगे तब, जब जाएंगे तब दिखेगी, उससे पहले दिखती है आखिरत की दुनिया, नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा जवाब दो कि इज्जत ज्यादा दुनिया में क्या आखिरत में, आपने कहा ज्यादा इज्जत मिलेगी किसको, बी को, क्योंकि उसने क्या किया, माफ किया ना, उसने ए के बदले में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मार सकता था लेकिन नहीं मारा उसने, माफ किया, हाँ तो इज्जत ज्यादा उसे दुनिया में मिलेगी कि आखिरत में मिलेगी, आखिरत में कि दुनिया में, और सही जवाब युसरा ने दिया, बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह दोनों में। और पता है आपको किसने कहा ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुनो क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, मा ज़ादल्लाहु अब्दुन बि अफ्विन इल्ला इज़्ज़न, अल्लाह बंदे को नहीं बढ़ाता माफ करने से सिवाय इज्जत में, माफ करने से कहां क्या चीज में बढ़ते हैं, इज्जत बढ़ती है, क्या चीज बढ़ती है, इज्जत। मालूम है लोग क्या सोचते हैं, मैं क्यों माफ करूं उसको, मेरी तो इज्जत कम हो जाएगी, इज्जत कम होती है, नहीं ज्यादा होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, याद रखेंगे, दुनिया में इज्जत कम होती है माफ करने से कि ज्यादा होती है, ज्यादा, यस, याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी मैं आपको एक बहुत एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, जो चीज बिहाइंड द सीन होती है, बिहाइंड द सीन मालूम है किसे बोलते हैं, एक होता है सीन जो दिख रहा है और एक होता है बिहाइंड द सीन, जो दिखता नहीं है, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, रहता है, बहुत अच्छा, एक चीज ऐसी है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, कैसे होती है किसी को समझ में नहीं आता लेकिन होती है ये, और आप बच्चे अगर यह समझ गए ना तो आप लोगों के पास समझो कि ना एक मास्टर की है, मास्टर की मालूम है किसे बोलते हैं, मास्टर की, हाँ, किसे बोलते हैं, मास्टर की जो की रहते है। मास्टर की कौन सी होती है मालूम है, देखा आपने मास्टर की, मालूम है, मालूम है, एक ताले के लिए एक चाबी होती है, दूसरे ताले की दूसरी चाबी होती है, तीसरे ताले की तीसरी चाबी होती है, चौथे ताले की चौथी चाबी होती है, लेकिन मास्टर की एक ऐसी चाबी होती है जिससे पहला ताला भी खुलेगा, दूसरा ताला भी खुलेगा, तीसरा भी खुलेगा, चौथा भी खुलेगा और सब ताले खुलेंगे, मास्टर की, आपको मास्टर की चाहिए, चाहिए, हाँ मैं मास्टर की देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो आप सब बच्चे, हाँ और बड़े भी, मास्टर की क्या है मालूम है, जब भी कोई आपको परेशान करे, ट्रबल करे, मुश्किल दे, तो क्या करो आपको पता है, आप उसे समझाओ, माफ करो, उसका जवाब दो, कैसे जवाब दो मालूम है, अच्छा करके उसका जवाब दो, स्माइल करके, माशाल्लाह वेरी गुड आंसर, स्माइल करके जवाब दो, हाँ उसके साथ कुछ अच्छा काम करके जवाब दो, हाँ उसको मदद करके जवाब दो, समझे आप, और जब ये करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, बिहाइंड द सीन, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह फुस्सिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके, फैदल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन,
फिर वो जिसके और तुम्हारे बीच में है दुश्मनी, कान्नहु वलीउन हमीम, बन जाएंगे करीबी दोस्त। दुश्मन क्या बन जाएंगे? करीबी दोस्त। एक होता है दोस्त, एक होता है करीबी दोस्त। फर्क क्या है दोस्त और करीबी दोस्त में? क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, एक एकदम फ्रेंडली है। हाँ, तो अब ये जो ए है ना, इसने क्या किया? ट्रबल किया था ना, परेशान किया था। ये दोस्त है? ऐसे नहीं होते दोस्त, करीबी दोस्त ऐसे होते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप उसके बुरे का जवाब दोगे अच्छा करके, तो क्या हो जाएगा? बन जाएंगे फ्रेंडली, करीबी दोस्त। हाँ, ये कहाँ पर? दुनिया में क्या? आखिरत में? आखिरत। अच्छा, बच्चों दोनों, दोनों। हाँ, दोनों में इंशाल्लाह, अगर ये भी नेकी करे, दोनों नेकी करे और जन्नत जाए, तो आखिरत में भी फ्रेंड्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता है मेरे बच्चों, दुनिया में कैसे लोग हैं मालूम है? दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, मीडियम लोग होते हैं, सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, सिर्फ एक टाइप के नहीं होते। आपके पास मास्टर की रखो। क्या मास्टर की मालूम है? कि जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे ना, उसके साथ क्या करोगे? अच्छा, अच्छा करो। पहले तो माफ करो। अगर माफ नहीं कर सकते तो कुछ कर ही नहीं सकते। माफ करोगे तो क्या होगा? सब कुछ हो सकता है। माफ ही नहीं करे तो कुछ नहीं हो सकता। क्या करोगे आप? माफ। क्या करोगे? आपको चाहिए मास्टर की? चाहिए? हाँ। मास्टर की नहीं चाहिए तो मत ध्यान दो। हाँ, मास्टर की चाहिए? चाहिए। आपको चाहिए? हाँ। चाहिए? ऐसी चाबी जिससे सब दरवाजे खुल जाए। इतने सारे दरवाजे खुलेंगे और गारंटीड खुलेंगे, गारंटीड, गारंटीड खुलेंगे। हाँ, क्या करना है आपको? माफ करना है। और माफ करने के बाद बुरी चीज का जवाब देना है अच्छा करके। अच्छा। हाँ, तो क्या होगा मालूम है? अच्छा होगा। कान्नहु वलीउन हमीम, बन जाएंगे करीबी दोस्त। आपके इतने सारे दोस्त, इतने सारे हेल्पर्स, इतने सारे लोग मदद करने वाले। स्ट्रांग है ये कि नहीं है? है। स्ट्रांग है कि नहीं है? है। आप अकेले स्ट्रांग हो कि ये सब मिल जाए तो स्ट्रांग होंगे? ये सब मिल जाएंगे। आप अकेले अगर तोड़ दे तो क्या होगा? तोड़ सकते। लेकिन ये सब जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? इजी से तोड़। ये तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। ये सब बन जाएंगे आपके दोस्त। हाँ, कब बनेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? बुरी चीज का जवाब देना होगा अच्छा करना। और जब अच्छा करेंगे ना, तो आपको ये मास्टर की हर जगह पे हर दरवाजा खुलेगा। मूसा चाहिए मास्टर की तुम्हें जिंदगी में? हाँ, ये अगर मास्टर सब की लोग है। सही बोलेगा तो? हाँ, सब लोग सही बोलेगा तो? सब लोग ये मास्टर की कर यूज करेंगे तो अच्छा है ना, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? एक अगर ना दूसरे को गलत करेगा, दूसरे को गलत करेंगे, और जो गलत किया था ना वो अपने घर में भाग गया, और जो उसको समझाने वाला था वो अपने डैडी को बोलने गया, और फिर मास्टर की से उसका घर ओपन करके उसको समझाना चाहिए। ये कौन सी मास्टर की? अच्छा, आपने सवाल पूछे। सबके दरवाजे खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिल के दरवाजे खोलने की बात कर रहा हूँ। उनका दरवाजा खोल के चोरी करना थोड़ी, चोरी की ट्रेनिंग चल रही है। ये कलर्स ऑफ इस्लाम है, ये कलर्स ऑफ रॉबिंग नहीं है। हम लोग चोरी का दरवाजा खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दिल का दरवाजा, सबके दिल का दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है? आपको बुरी चीज का जवाब देना अच्छा करके। और सबसे पहले क्या करना है? माफ करना है। और करेंगे तो क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे ए के बाद में आपको बी मिला। हाँ, बी आपको देख के खुश नहीं है, बी आपको देख के खुश नहीं है, आपको स्माइल ही नहीं दे रहा है, आप क्या करोगे? हम उनके साथ अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करेंगे? आप हम स्माइल करेंगे। आप स्माइल दोगे, फर्स्ट सलाम आप करोगे। बेटर कौन होता है मालूम है? सलाम पहले करता है। दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे आ रहे आ रहे, फर्स्ट सलाम कौन करेगा? दोनों आ रहे हैं, दोनों तो बेटर कौन है मालूम है? जो पहले सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा ये तो खुशी नहीं हो रहा था आपको देखकर, स्माइल भी नहीं दे रहे। आप स्माइल दोगे, आप कहोगे अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कान्नहु वलीउन हमीम, बन जाएंगे करीबी दोस्त इंशाल्लाह। फिर कोई मिला जो देखकर आपको स्कूल में हेल्प नहीं कर रहा है,
आपको तो पढ़ाने में हेल्प कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, आप उनको बुक दे रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आया, सी मिस्टर सी सी तुम्हें समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा, हाँ हेल्प करो, डी मिला डी की मदद करो, हाँ आपने कोई अच्छी चीज सीखे, कलर्स ऑफ इस्लाम में सीखे, डी को बताओ अच्छी चीज सिखाना अच्छी चीज है कि नहीं है, अच्छी चीज है। ई के लिए आप अल्लाह से दुआ करो, अच्छा अल्लाह से दुआ कर सकते हैं दूसरों के लिए किसे, खुद के लिए करना चाहिए दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, कितनी दुआ कर सकते हैं, जितने ई के लिए एफ के लिए जी के लिए एच के लिए आई के लिए जे के लिए के लिए एल एम एन सबके लिए दुआ कर सकते हैं, या कम हो जाएगी दुआ की वैल्यू ज्यादा करेंगे तो नहीं, नहीं होती, उल्टा दुआ की वैल्यू बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के और करीब आते हैं, दुआ करो दूसरों के लिए, हाँ ये अच्छा करना, आहिस्ता 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 इस मास्टर की से सब लोग आपके साथ मिल जाएंगे, करीबी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह। तो आप सब बच्चों को ये फॉर्मूला मास्टर की चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। बुरी चीज का जवाब देना है क्या करके, अच्छा करके, वमा युलक्काहा इल्ला लदीना सबरू, लेकिन ये नहीं होगा सिवाय सब्र करने वालों के साथ, किसके साथ होगा सब्र करने, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, स्माइल किए सामने वाले ने स्माइल नहीं दिया, सेकंड डे स्माइल किए स्माइल का जवाब नहीं दिया, थर्ड डे जाके उसको ट्रबल करते हैं, तुम्हें मैं स्माइल दे रहा हूँ तुम जवाब नहीं दे रहे हो, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्या आपको इनसे कुछ चाहिए, आपको इनसे कुछ चाहिए, इनसे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए कुछ इनसे नहीं, स्माइल चाहिए नहीं चाहिए आपको, इनसे कुछ नहीं चाहिए आपको, किससे चाहिए अल्लाह से, इनका दिल कौन कंट्रोल करता है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला जैसा चाहे दिल को फेर सकता है, हाँ। इनको दोस्त कौन बनाएगा अल्लाह बनाएगा, हाँ इनके अंदर दिल में अच्छी फीलिंग कौन डालेगा अल्लाह डालेगा, आपको इनसे कुछ चीज स्माइल चाहिए नहीं।, नहीं चाहिए, आप इनको खाने के लिए बुला रहे हो, हाँ आपको भी खाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया तुम मुझे दो, मैंने अपने टिफिन में से तुम्हें खाना खिलाया तुम मुझे अपने टिफिन में से खाना खिलाओ, चाहिए नहीं, नहीं चाहिए आपको, इनके टिफिन में से खाना चाहिए नहीं, मैंने तुम्हें मेरी पेंसिल दी तुम मुझे तुम्हारी पेंसिल दो, मैंने तुम्हें मेरा इरेजर दिया तुम अपना इरेजर मुझे दो, चाहिए कुछ, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में ऐसा करते हैं मालूम है, देना लेना देना लेना, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कोई कोई ऐसा करता है कि आप ये हाउस मुझे दे दो ये पूरा पैसा आप ले लो, वो हाउस ले लेते लेकिन पैसा नहीं, ऐसे चीटिंग भी करते हैं लोग, है ना चीटिंग करते हैं लोग दुनिया में पैसों के मामले में, जो भी चीज रहती है करते करते रॉन्ग लोग बहुत सारे दुनिया में है, लेकिन रॉन्ग लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे सकता है, अल्लाह रॉन्ग लोगों को अच्छा बना सकता है, अल्लाह बना सकता है अच्छा, हाँ, हाँ, तो किससे मांग रहे हैं हम लोग, किससे मांग रहे हैं हम लोग अल्लाह से मांग रहे हैं, हम दुनिया में क्या चाहते हैं, हम लोगों को बुराई फैलाना है, हम लोग क्या चीज के लिए कर रहे हैं, अच्छाई के लिए कर रहे हैं ना, हाँ, लोगों के अंदर अच्छाई बढ़ानी है कि बुराई बढ़ानी है, अच्छा, लोगों को बुरा बनाना है कि अच्छा बनाना है, अच्छा, हमें क्या चाहिए इनसे, कुछ नहीं चाहिए, हमें किससे चाहिए अल्लाह, अल्लाह ताला इनके दिल को कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह ताला मदद करने वाला है, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा सूरह शुरा में सूरह 42 आयत नंबर 43, वलमन सबरा यकीनन जो सब्र करता है वह गफारा माफ करता है, जो सब्र करता है और माफ करता है, इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, मैटर में फाइनल में यही चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, कोई भी चीज फाइनल होती है ना, फाइनल एंडिंग में क्या हुआ, रेस चल रही है, रेस शुरू में ये जीत रहे हैं बाद में ये जीत रहे हैं फिर ये जीत रहे हैं ये जीत रहे हैं एंडिंग में ये जाके जीत गए, तो क्या मैटर होता है, शुरू में ये जीत रहे थे ये मैटर है कि एंडिंग में कौन जीता, एंडिंग में अज़्मिल उमूर का मतलब है फाइनल मैटर, जब मामला खत्म होता है तो कौन जीतता है, मन गफारा वाला मन सबरा वा गफारा, जो सब्र करता है और माफ करता है, सब्र करता है और माफ करेंगे इंशाल्लाह से, इंशाल्लाह माफ करेंगे इंशाल्लाह, किसको माफ करेंगे, सबको माफ करेंगे, क्यों माफ करेंगे, अल्लाह के लिए माफ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, हाँ कंजूस बनेंगे, कंजूस नो नॉट कंजूस, कोई भी कंजूस नहीं बनना इंशाल्लाह, पता है आपको एक बार क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आकर के मैं बताऊं करके बताऊं करके बताऊं, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज पकड़ के खींचा,
जोर से यहाँ तक आके कॉलर है ना, कॉलर कॉलर के निशान आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे, इतनी जोर से उसने पकड़ के खींचा और फिर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो पैसा अल्लाह ने दिया है उसमें से थोड़ा मुझे दो। कहेगा आपके साथ ऐसा करे तो आप क्या करोगे? लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ पलटे, उसे देखा, स्माइल किए और कहा इसे कुछ दो। सही बुखारी की हदीस है। क्या सीखा आपने? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, एक स्टोरी बताई कि एक बार एक नबी थे और नबी जाकर अपने कौम के लोगों को अल्लाह के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? अल्लाह। और उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया, उन्हें दावत दी और वो लोगों ने उनको पत्थर ले लेके मारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नहीं, ये नबी का नाम नहीं बताया, सही बुखारी में हदीस है। पत्थर ले लेके मारे, यहाँ तक आके पूरे बॉडी पे खून खून हो गए। हाँ, तो उन्होंने अपने खून को पोंछा और पोंछ करके क्या कहा मालूम है? रब्बिग़फ़िरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम के लोगों को माफ़ कर दो, उनको नहीं मालूम है। अल्लाह मेरी कौम के लोगों को माफ़ कर दे, उन्हें नहीं मालूम। माफ़ किया उन्होंने कि नहीं किया? उन्होंने माफ़ किया कि नहीं किया? हम लोग ये लोगों के फॉलोअर्स हैं। हम लोग किसके फॉलोअर हैं? हम लोग बैटमैन सुपरमैन वगैरह के फॉलोअर नहीं है। हम लोग फॉलोअर है ऐसे सब नबियों के और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे थे मक्का, हाँ, मक्का की फतेह कॉन्कर करने के बाद क्या हुआ? जब मक्का पूरा कॉन्कर हो गया, सब लोग कंट्रोल में आ गए, मालूम है वो जो मक्का के मुशरिक थे बहुत बुरे काम करते थे, सहाबा को, बिलाल को, किससे भी, बिलाल आपका भी नाम बिलाल है, उनका नाम भी बिलाल था, बिलाल को किस चीज़ पे डाले थे? डेजर्ट सैंड। डेजर्ट सैंड के ऊपर, हाँ, गरम गरम सैंड के ऊपर घसीटते थे उनको। हाँ, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम एक्सेप्ट किए थे। बद्र में मारने के लिए आए थे, उहुद में आकर 70 सहाबा को मारे, इतने डेंजरस, इतने बुरे बुरे लोग। लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में जब आए ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। क्या कहा? मालूम है यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया मालूम है? उनको वेल में डाले। अच्छा किया, बुरा किया? बुरा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ मालूम है स्टोरी में? वो किंग के, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में वो सब आ गए, तो क्या किया उन्होंने? किंग के, वो किंग के पास चले गए, किंग के पास काम करने लग गए। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया कि नहीं किया? किया था। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? माफ करना सीख रहे हैं और बुरी चीज का जवाब देना सीख रहे हैं अच्छा करके। अच्छा कर। ये क्या है? अच्छा करके आप करोगे तो क्या है? ये खोलना है आपको दरवाजे, सब खोलना है कि नहीं खोलना है? क्या अकेले रहना है दुनिया में? अकेले रहना है, खोलना है कि मास्टर की चाहिए आपको? आखिरत में भी कामयाबी चाहिए और दुनिया में भी कामयाबी चाहिए। तो बच्चों आज के प्रोग्राम में हमने क्या सीखा? कोई बुरा करे तो क्या करोगे? सॉरी। कोई आपसे बुरा करे आपके साथ, तो उसके साथ अच्छा करके अच्छा करें, समझाने का, सॉरी बोलने का, फॉरगिव करने का, समझाने का, सॉरी बोलना, फॉरगिव करना। देखो फिर से, कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसे सॉरी बोलोगे कि माफ करोगे? माफ। दोनों। अरे कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करें। आपकी पेंसिल, ये आपकी पेंसिल, ये आपकी पेंसिल, भाई आपकी पेंसिल। हाँ, मान लो कि आपकी पेंसिल है। हाँ है आपकी? अब अगर मैं आपके पास पेंसिल ले लूँ, ले लिया मैंने सबकी पेंसिल, अभी क्या करूँगा? सॉरी बोलोगे मुझे? सॉरी आप बोलोगे कि मैं बोलूँगा? आप बोलो। सॉरी मैंने आपकी पेंसिल ले लिया, तो सॉरी कौन बोलेगा? आप। हाँ, अच्छा, जलेगा, करेक्ट। हाँ, अभी मुझे बोलो कि अगर आपने मेरी पेंसिल ले ली मुझसे पूछे बगैर, तो सॉरी कौन बोलेगा? हाँ, हम लोग। ठीक है, बुरी चीज कोई करे तो क्या करेंगे आप? जवाब कैसे देंगे? मास्टर की बुरी आप कोई करे आपके साथ तो जवाब कैसे करेंगे? तो उसके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ,
अच्छा करेंगे। बच्चों ये एक छोटा सा लेसन था, लेकिन थी ये मास्टर की। जो भी चीज सीखते हैं सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होती है, मास्टर की आपके पास है तो उसको इस्तेमाल करना है। आप सब बच्चों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपको जाकर उसको जवाब देना है कुछ अच्छा, कुछ अच्छा करके। बुरा करे तो क्या करना है? अच्छा, अच्छा करना है। और अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने वाला बना दे, लोगों के साथ अच्छा करने वाला बना दे, लोगों को माफ करने वाला बना दे, और सही रास्ते पर जीने और उसी पर खात्मा पाकर अल्लाह के पास इस हाल में पहुंचने वाला बना दे कि हमने किसी पर जुल्म ना किया हो। आमीन। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।